सब्सक्राइब कीजिए डबल ए क्रिएशन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो भैया, चौराहे पर चाय की दुकान हो या ट्रेनों पर लोगों के हुजूम, हर जगह अगर पढ़े लिखे लोगों से एक सवाल पूछा जाता है तो ये कि मुर्गी पहले आई या अंडा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तर्कों के साथ इसका क्या होगा आंसर। तो देखने के लिए एंड तक देखते रहिए हमारा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं डबल ए क्रिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। डबल ए क्रिएशन मेक्स अ न्यू विजन। तो भैया, हम जब से बचपन से भी इधर बड़े हुए तो बड़े बुजुर्ग या कुछ वो लोग जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, ऐसे लोगों से, लड़कों से पूछ लेते हैं कि बताओ, अच्छा पहले मुर्गी आई या अंडा। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए अगर हम ये कहें कि पहले मुर्गी आई, तो आखिर मुर्गी आई कैसे? उसका भी तो पहले कोई अंडा होगा। अगर हम कह दें कि पहले अंडा आया, तो वो अंडा कैसे आया, क्योंकि उसके पहले भी तो मुर्गी होगी। तो ये दोनों जवाब तर्कों के साथ सही नहीं बैठते हैं। तो ऐसे में हमारा दिमाग घूम के रह जाता है, चक्कर खा जाता है कि आखिर आंसर है तो है क्या, आखिर क्या दोनों आए पहले, कौन पहले आया है? ये सब जवाब उनके पास भी आखिर नहीं होते हैं, लेकिन आपका दिमाग हिल जाता है, घूम जाता है। तो आपको अब बताते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, ये सवाल पहले आया कहाँ से, इसका आंसर क्या होगा, सारे को जवाब क्लियर होंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं, ये प्राचीन काल से यूनान के विद्वानों के बीच सबसे पहले इसमें विवाद रहा। सबसे पहले उन्होंने ही सोचा कि आखिर मुर्गी पहले आई अंडा आया, तो वो इन विवादों में उनके बीच ये द्वंद रहा कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। फिर उसके बाद तमाम दुनिया भर के लोग उन्हीं के जरिए जो है ये सवाल, ये विवाद, ये द्वंद उनके बीच भी काफी चर्चा का विषय बना रहा, आज भी होती है इसकी चर्चा। तो अब आपको बताते हैं कि एक नए शोध में सामने आया है कि पहले मुर्गी और अंडे में ये दोनों ही आए थे। जी हाँ दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये पहले दोनों कैसे आए थे। तो सब्र रखिए, हम आपको तथ्यों के साथ बताएंगे, जानकारी पूरी तरीके से सच है। और पहले मुर्गी अंडा दोनों आए थे, ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा सामने आया है कि क्वांटम फिजिक्स के तहत ये जो तर्क दिया गया है कि मुर्गी और अंडा पहले ये दोनों आए थे, इनमें से कोई एक पहले नहीं आया था, क्योंकि अमूमन हमारा जवाब रहता है कि इनमें से कोई एक ही आया होगा और हम बस एक ही के विचार सोचते हैं। तो इस ऐतिहासिक समस्या का जवाब आज हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो एक यूनिवर्सिटी है क्वींसलैंड, उसके वैज्ञानिकों और फ्रांस के NEEL संस्थान के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि क्वांटम फिजिक्स की मदद से इस ऐतिहासिक समस्या का निदान हो चुका है। उन्होंने बताया कि क्वांटम फिजिक्स कहती है कि पहले अंडा और मुर्गी दोनों ही आए थे। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में MRC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्वांटम इंजीनियरिंग सिस्टम के भौतिक विज्ञानी जैकी रोमेरो ने स्पष्ट किया कि क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि ऐसा किसी नियमित रूप से तय क्रम के बिना हो सकता है। जी हाँ, ऐसा पहले से कोई तय नहीं होता है, इसके बिना भी हो सकता है। यानी शोध ये कहता है कि दोनों ही चीजें पहले हो सकती हैं और ये अनिश्चितता, यानी कि अनिश्चित होती है, अनिश्चितता के कारणों का ये क्रम है। हालांकि आम तौर पर ये लागू होने वाला क्रम नहीं है। अब जानते हैं कि इसका अध्ययन कहता क्या है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इसे समझने के लिए फोटोनिक क्वांटम स्विच कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया। इस शोध में दो घटनाओं का क्रम जिस पर निर्भर करता है उसे कंट्रोल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं, कंप्यूटर में बिट्स होता है जिसकी वैल्यू या तो जीरो होती है या एक होती है। यदि कंट्रोल वैल्यू जीरो है तो बी से पहले ए होता है, यदि कंट्रोल वैल्यू एक होती है तो ए से पहले बी होता है। क्वांटम फिजिक्स में सुपरपोजिशन के अनुसार, मतलब एक के ऊपर दूसरी चीज को बैठाना बिट्स हो सकते हैं, जिसका मतलब है उनका मान एक ही समय में जीरो और एक होता है। हम मान सकते हैं इस नियम के तहत एक निश्चित अर्थ में बिट्स की वैल्यू अपरिभाषित है।
अब कंट्रोल के अनिश्चित मान की वजह से जो क्रम तय किया जाता है उसे ए और बी घटनाओं के बीच का अपरिभाषित क्रम माना जाता है। भले ही सामान्य रूप से यह विश्वास किया जाता है कि ए और बी के बीच पहला कौन है यह सत्य एक ही हो सकता है, पर क्वांटम फिजिक्स में ये दोनों ही हो सकते हैं और उसे ही सही माना जाएगा, जिसे अपरिभाषित अस्थिर क्रम कहा जाता है। बेशक परिवर्तन कई तरह का हो सकता है, लेकिन इस रूपांतरण और ध्रुवीकरण विकल्प आपसी संबंध की एक सीमा होती है। शोध के दौरान इसी नियम को तोड़ दिया गया और यह नतीजा सामने आया कि ए और बी के बीच एक अनिश्चित क्रम है, और इस आधार पर सोसाइटी ऑफ अमेरिकन फिजिक्स मैगजीन, फिजिकल रिव्यू जर्नल, अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी में प्रकाशित एक शोध में सामने आया कि पहली बार अंडा और मुर्गी दरअसल दोनों ही आए थे। तो दोस्तों, आपको ये आई होप आपको क्लियर होगा कि ये कैसे आए, ये कोई इसके पीछे वजह क्या है, कौन किस तथ्य का हवाला दिया गया, और ये एक यूनिवर्सिटी जो है अमेरिकन, फ्रांस, तमाम जो है बड़ी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यहाँ पर अपने शोध में दावा किया है कि पहले मुर्गी और अंडा दोनों आए थे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप भी ज्ञानी बन सकते हैं और आप भी ऐसे सवाल दूसरों से कर ही नहीं सकते हैं, बल्कि आपको उनका आंसर भी पता है विथ प्रूफ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे भी लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जी हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा कह सकते हैं द्वंद्व लोगों में है और सबसे बड़ा मिथ लोगों में है कि आखिर दोनों में से कोई एक ही पहले आया है। तो ये अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छा लगा हो तो अच्छा रिस्पांस दे दीजिएगा, कुछ सवाल हो तो वो कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ये नहीं बल्कि उनके आंसर्स भी हम आपको देते हैं विद प्रूफ। तो मुझे आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसके लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।